अच्छा, आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक छोटा सा दिवाली गिफ्ट है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कल के वीडियो का लिंक दे रखा है, उसे ज़रूर देखना, क्योंकि आप अपना फ्री में डीमैट अकाउंट खुलवाकर 500 रुपये का फ्लिपकार्ट वाउचर ले सकते हैं। उसकी पूरी डिटेल्स कल वाले वीडियो में मैंने शेयर करी है, उसको देखना बिल्कुल भी मत भूलना। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और पिन कमेंट्स में भी मिलेगा। बट फिलहाल बढ़ते हैं जीमेल पार्ट 2 की तरफ। तो मैंने आपको मेरी एज गेस करने को बोला था, और कुछ लोगों ने बोला मैं 27 साल का हूँ और कुछ ने बोला मैं 28 साल का हूँ। दोनों ही गलत जवाब हैं। मैं अपनी एज अगले वीडियो में रिवील करूंगा, तब तक फील फ्री टू टेक गेसेस। कुछ दिनों पहले हमने ये वीडियो डाला था जिसमें मैंने आपको बताया था 13 जीमेल के ऐसे फीचर्स जो आपको ज्यादा प्रोफेशनल बना सकते हैं, और आज मैं आपके लिए उसी का सेकंड पार्ट बना रहा हूँ। क्योंकि वो वीडियो 20 मिनट का था और फिर भी लोगों ने उसे पूरा देखा, दैट टेल्स मी कि आप लोग सही में इंटरेस्टेड हैं जीमेल के फीचर्स को जानने के लिए। और जीमेल के सिर्फ 13 फीचर्स नहीं है, जीमेल में बहुत फीचर्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। तो इसके पार्ट टू में आप सीखेंगे और जीमेल के ऐसे कौन से फीचर्स हैं जो आपके बहुत काम आ सकते हैं और आपको और ज्यादा प्रोफेशनल बना सकते हैं। तो सबसे पहला फीचर है मेल फॉरवर्डिंग। तो आप चाहते हैं कि कुछ टाइम के लिए आपके पास आने वाले सारे ईमेल्स किसी दूसरे ईमेल पर फॉरवर्ड हो जाएं, तो वो आप कैसे कर सकते हैं? उसके लिए आपको जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आपको ऑप्शन दिखेगा फॉरवर्डिंग एंड POP/IMAP। वहां पर ऐड अ फॉरवर्डिंग एड्रेस पर आपको अपना ईमेल एड्रेस एंटर करना है जिस पे आप चाहते हैं कि ईमेल फॉरवर्ड होते रहें। ईमेल एड्रेस एंटर करने के बाद आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। उसके बाद देखिए आपको बोलेगा कि सेकंड ईमेल एड्रेस पर एक कंफर्मेशन कोड गया है, वो कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है। कंफर्मेशन कोड डाल के आप जैसे ही वेरीफाई कर देंगे तो आपका ईमेल फॉरवर्डिंग सेट हो जाएगा। अब जब भी आपके पास ईमेल आएगा उसका एक कॉपी सामने वाले के पास भी चला जाएगा। उसके बाद अगला फीचर है फिल्टर ईमेल का। अगर आपको कोई पर्टिकुलर ईमेल ढूंढना है और उसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको याद नहीं है तो आप क्या करेंगे? आप ज़्यादा से ज़्यादा सेंडर का नाम सर्च करके उसको सर्च कर सकते हैं, पर उसमें आपको क्या मिलेगा? उस सेंडर ने आज तक जितने भी ईमेल्स आपको भेजे हैं सारे के सारे दिख जाएंगे, पर पर्टिकुलर ईमेल को कैसे पिन पॉइंट करेंगे? उसके लिए आप फिल्टर बना सकते हैं। फिल्टर में आपको सर्च मेन्यू में ड्रॉप डाउन मेन्यू पर क्लिक करना है, और यहाँ पर देखिए आपको बहुत सारे पैरामीटर्स दिख रहे हैं। आप टू या फ्रॉम में ईमेल आईडी भी डाल सकते हैं या फिर डेट भी डाल सकते हैं। तो देखिए जैसे मैं डेट डाल रहा हूँ 23rd February 2019, एंड टू में मैं डेट डाल रहा हूँ 23rd March 2019। सब्जेक्ट, अगर मुझे उस ईमेल का सब्जेक्ट याद है तो मैं सब्जेक्ट भी लिख सकता हूँ। फिर देखिए लिखा हैज द वर्ड्स। हैज द वर्ड्स मतलब अगर मुझे कुछ वर्ड्स याद आ रहे हैं जो उस ईमेल में लिखे हुए थे तो वो वर्ड्स भी मैं यहाँ पर टाइप कर दूंगा, तो जीमेल को बहुत आसानी होगी वो पर्टिकुलर ईमेल ढूंढने के लिए। उसके बाद सिमिलरली डजंट हैव में टाइप कर दूंगा ऐसे वर्ड्स जो उसमें नहीं है पर मेरे बहुत सारे ईमेल्स में हो सकते हैं, तो जीमेल को कंफ्यूजन ना हो वो वर्ड्स इग्नोर कर देगा और सर्च रिजल्ट्स बहुत कम दिखाएगा। उसके बाद देखिए हैज अटैचमेंट पर क्लिक करूंगा, फिर ईमेल साइज पर क्लिक करूंगा ग्रेटर देन या लेस देन, और उसको MBs में लिख दूंगा। जैसे मैंने लिख दिया ग्रेटर देन 5 MB। उसके बाद मैं सर्च पर क्लिक करूंगा, उसके साथ साथ मैं क्रिएट फिल्टर भी कर सकता हूँ। क्रिएट फिल्टर से हेल्प ये होगी कि मुझे बार बार अगर सिमिलर पैरामीटर्स पर कोई ईमेल सर्च करना है तो ये सारी डिटेल्स बार बार टाइप नहीं करनी पड़ेंगी, इसका फिल्टर अपने आप बन जाएगा। और मैं फिल्टर पर क्लिक करूंगा तो उसके हिसाब से बार बार मैं सर्च कर सकता हूँ। तो फिलहाल मैं सर्च पर क्लिक कर रहा हूँ, तो देखिए जो पैरामीटर्स मैंने टाइप करे उसके अकॉर्डिंग एक भी ईमेल मेरे पास नहीं है। तो दूसरा फिल्टर लगा के मैं आपको दिखा देता हूँ कि फिल्टर सर्चेस कैसे दिखते हैं। देखिए मैंने सिर्फ सब्जेक्ट टाइप किया था और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जितनी बार भी वो वर्ड उन सब्जेक्ट्स में यूज हुआ है सारे ईमेल्स मेरे पास अपीयर हो गए। इसके साथ साथ अगर मैंने हैज अटैचमेंट्स पर भी क्लिक कर दिया तो ये उन सारे ईमेल्स को सर्च करेगा जिनके सब्जेक्ट्स में क्रियो लिखा है, और उनमें भी उन सारे ईमेल्स को सर्च करेगा जिसके साथ अटैचमेंट है। तो देखिए मेरे सर्च रिजल्ट्स कितने कम हो चुके हैं, अब मेरे पास कुल मिलाकर 9 या 10 ईमेल्स हैं और उनमें से मेरा ईमेल मुझे मिल जाएगा। अगला फीचर है प्रीव्यू पेन। ये आपकी लाइफ थोड़ी आसान बना देगा अगर आप बहुत सारे ईमेल्स डेली बेसिस पर रीड करते हो अपने पीसी या लैपटॉप स्क्रीन पे। तो प्रीव्यू पेन बेसिकली क्या करता है, आपको मेल खोले बिना मेल के अंदर का कंटेंट स्क्रीन के राइट साइड में दिखा देता है। उससे आपकी क्या हेल्प होती है, आपको बार बार मेल खोल के बैक नहीं जाना पड़ेगा कोई दूसरा मेल देखने के लिए। नहीं समझ आया, मैं बताता हूँ। आप जाइए सेटिंग्स में, वहां से जाइए एडवांस्ड में, वहां पर आपको सेकंड लास्ट ऑप्शन दिखेगा प्रीव्यू पेन, वो बाय डिफॉल्ट डिसेबल रहता है, आप उसको एनेबल कर दीजिए। उसके बाद अपने इनबॉक्स पर वापस आ जाइए। अब आप ट्राई कीजिए किसी एक मेल पर क्लिक करने का और देखिए क्या होता है।
आपको अपना इनबॉक्स भी दिखता रहेगा और साथ ही साथ स्क्रीन के नीचे वाले पार्ट में वो पूरा मेल खुला हुआ भी दिख जाएगा, आप उसको स्क्रॉल करके आराम से रीड कर सकते हैं। इवन बेटर, आप इस वाले आइकन पे जाकर हॉरिजॉन्टल स्प्लिट की बजाय वर्टिकल स्प्लिट पे क्लिक कर दीजिए। अब देखिए क्या होता है, अब आपको आपके सारे मेल्स लेफ्ट हैंड साइड पर दिख रहे हैं और जिस भी ईमेल पे आप क्लिक करेंगे वो राइट साइड में खुल भी जाएगा। तो इस तरह से आप मल्टीपल ईमेल्स देख सकते हैं और आपका हर बार एक स्टेप कम हो जाएगा। अगला फीचर है प्रायोरिटी इनबॉक्स। प्रायोरिटी इनबॉक्स में आप ये सेट कर सकते हैं कि सबसे टॉप पे आपको कौन से मेल्स देखने पसंद हैं, जो आपके सबसे ज़्यादा काम आने वाले हैं। तो उसको कैसे एक्टिवेट करते हैं, सेटिंग्स में जाइए, सेटिंग्स में आपको इनबॉक्स का एक बटन दिखेगा, उस पर क्लिक कीजिए। वहाँ जाकर इनबॉक्स टाइप को चूज करके प्रायोरिटी इनबॉक्स पर सेट कर दीजिए। उसके जस्ट नीचे आप देखिए आपको चार ऑप्शन दिखेंगे, इंपॉर्टेंट एंड अनरेड, स्टार्ड, एम्प्टी एंड एवरीथिंग एल्स। तो बेसिकली आप अपने चार इनबॉक्स बना सकते हैं और इम्पॉर्टेंट एंड अनरेड वाले में आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कौन से मेल्स देखने हैं और वो मैक्सिमम कितने मेल्स दिखाए। तो देखिए आप चूज कर सकते हैं कि उस सेक्शन में आप इम्पॉर्टेंट एंड अनरेड ईमेल्स डाल सकते हैं और शो अप टू 5, 10, 25 या 50 आइटम्स भी सेट कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पर लिखा है हाइड ईच सेक्शन व्हेन एम्प्टी। मान लीजिए आप वो 10 ईमेल देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, तो वो सेक्शन हाइड हो जाएगा क्योंकि उस समय आपके पास कोई भी इंपॉर्टेंट और अनरेड ईमेल पढ़ने को नहीं है। उसके बाद सिमिलर काम आप अपने स्टार्ड, एम्प्टी और एवरीथिंग एल्स वाले सेक्शंस के लिए भी कर सकते हैं। उसके बाद देखिए मैंने अगर 5 आइटम का सिलेक्ट किया था तो मेरा इंपॉर्टेंट एंड अनरेड का सेक्शन अलग है जहां पर 5 ही ईमेल शो हो रहे हैं। उसके बाद स्टार्ट का सेक्शन अलग है और एवरीथिंग एल्स का सेक्शन अलग है। तो जैसे ही मैं अपना जीमेल खोलूंगा मेरी आंखें क्लियरली उस चीज को देखेंगी जो चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज मेरे लिए। अगला फीचर है स्पैमिंग, ब्लॉकिंग एंड आर्काइविंग। एंड ट्रस्ट मी, ये आपका फेवरेट फीचर होने वाला है क्योंकि आप परेशान हैं, ये मैं जानता हूं। बहुत सारे मार्केटिंग ईमेल्स आपको आते हैं, बहुत सारे स्पैम ईमेल्स आपको आते हैं जो आपके इनबॉक्स को कचरा बना देते हैं। ऐसे ईमेल्स जो आप चाहते हो कि कभी आपको देखने को ना मिले, आप उनको स्पैम कर सकते हैं और आर्काइव भी कर सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूं आप किसी पर्टिकुलर ईमेल एड्रेस को ब्लॉक कैसे कर सकते हैं ताकि आज के बाद वो वाले ईमेल से आपके पास कोई मेल ना आ पाए। तो जिस भी ईमेल एड्रेस को आप ब्लॉक करना चाहते हैं उसका ईमेल खोलिए, वहां पर राइट में देखिए ऑप्शंस का एक बटन होगा, मोर लिखा है उस पर, उसमें आपको दिखेगा ब्लॉक। ब्लॉक पे क्लिक करते ही वो पर्टिकुलर ईमेल एड्रेस हमेशा के लिए ब्लॉक हो जाएगा और वो ईमेल आपको बार बार तंग नहीं करेगा। और इसी तरह उसके नीचे स्पैम भी लिखा है, अगर आप किसी ईमेल को स्पैम करना चाहते हैं पर ईमेल एड्रेस को परमानेंटली ब्लॉक नहीं करना चाहते तो नीचे स्पैम पर क्लिक करेंगे तो वो स्पैम में चला जाएगा। इससे आप अपनी ही नहीं बाकी जनता की भी हेल्प करते हो। जब भी आप किसी ईमेल को रिपोर्ट स्पैम करते हो तो गूगल को ये पता चलता है कि ये पर्टिकुलर ईमेल एक स्पैम है, तो वो बाकी यूजर्स का एक्सपीरियंस अच्छा करने के लिए वो ऑटोमेटिकली दूसरे लोगों के मेल्स को स्पैम में भेजना चालू कर देता है। और अगर आप इस बटन पे क्लिक करेंगे तो ऐसे आप अपने ईमेल्स को आर्काइव भी कर सकते हैं। आर्काइव मतलब आप अपने ईमेल को स्टोर करके रख रहे हैं फॉर फ्यूचर रेफरेंस, बट वो अभी इतने जरूरी नहीं है। अगला फीचर है ऑफलाइन जीमेल। आप जीमेल को बिना इंटरनेट के भी एक्सेस कर सकते हैं, क्या आप ये जानते थे, कमेंट्स में बताना। अगर आपका काम जीमेल के बिना होता ही नहीं है और कई बार इंटरनेट की प्रॉब्लम्स आप फेस कर सकते हैं या आपको डर है इस बात का कि इंटरनेट जब चला जाएगा तो मेरा काम रुक सकता है, तो आप अपना जीमेल के लास्ट 90 डेज तक के ईमेल्स को डाउनलोड करके ऑफलाइन रख सकते हैं। तो जैसे ही आप बिना इंटरनेट के भी जीमेल खोलेंगे तो लास्ट 90 डेज के ईमेल्स आप नॉर्मली एक्सेस कर सकते हैं विद अटैचमेंट्स। उसको कैसे एनेबल करना है, आप जाइए सेटिंग्स में, सेटिंग्स में आपको ऑफलाइन का बटन दिखेगा, ऑफलाइन में जाकर एनेबल ऑफलाइन मेल पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद देखिए सिंक सेटिंग्स में लिखा है आप लास्ट कितने डेज के ईमेल्स को डाउनलोड करना चाहते हैं, 7 डेज, 30 डेज या 90 डेज। मैंने 30 डेज कर दिया। उसके बाद डाउनलोड अटैचमेंट्स पर भी मैं क्लिक कर देता हूं। उसके बाद देखिए दो ऑप्शन दिख रहे हैं, कीप ऑफलाइन डेटा एंड रिमूव ऑफलाइन डेटा। कीप ऑफलाइन डेटा का मतलब है जब भी आप अपने जीमेल से लॉग आउट भी कर देंगे तो भी ऑफलाइन डेटा उस कंप्यूटर पर अवेलेबल रहेगा। बट मान लीजिए आप कंपनी के लैपटॉप या कंपनी के पीसी पर काम कर रहे हैं और आप नहीं चाहते आपके लॉग आउट करने के बाद भी वो डेटा उस पर रहे, और आप नहीं चाहते जब भी आप कंपनी छोड़ के जाएं तो आपका पर्सनल डेटा, आपके ईमेल का डेटा उस डिवाइस में रह जाए, तो आप क्लिक करिए रिमूव ऑफलाइन डेटा फ्रॉम माय कंप्यूटर। और अगर आपका खुद की डिवाइस है तो आप कीप ऑफलाइन डेटा पर भी क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आप सेव चेंजेस करेंगे तो लिखा हुआ आएगा ईमेल रीसिंक विल बी रिक्वायर्ड एवरी टाइम यू लॉग आउट एंड लॉग बैक इनटू जीमेल।
आप गॉट इट पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद जीमेल अपने आप ऑफलाइन डाउनलोडिंग स्टार्ट कर देगा ताकि बिना इंटरनेट के भी आप अपना जीमेल एक्सेस कर पाए। बट याद रहे, आप हर डिवाइस से एक्सेस नहीं कर पाएंगे। जिस भी डिवाइस से आप ये डेटा डाउनलोड कर रहे हैं सिर्फ उसी डिवाइस पे आपका जीमेल ऑफलाइन काम करेगा। अगला फीचर है जीमेल ऐप इंटीग्रेशन। तो जीमेल की तीन बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन कैलेंडर, कीप एंड टास्क, आप इसको जीमेल के साथ इंटीग्रेट करके अपने प्रोफेशनल कम्युनिकेशन को और स्ट्रेंथन कर सकते हैं। कैसे? मान लीजिए आपको अपने टीममेट्स के साथ मंडे सुबह 10 बजे एक मीटिंग शेड्यूल करनी है, तो आप यहां से अपने कैलेंडर में मार्क कर लीजिए और उन पर्टिकुलर लोगों के ईमेल एड्रेसेस ऐड कर दीजिए जो उस मीटिंग में उस समय होने चाहिए। तो उनके पास भी ऑटोमेटिकली एक ईमेल चला जाएगा उनको ये बताने के लिए कि भाई आपकी मंडे को 10 बजे मीटिंग है। और इसमें आप उनको रिमाइंडर्स भी भेज सकते हैं 30 मिनट पहले या एक दिन पहले कि आपकी मीटिंग आने वाली है, आपको भूलना नहीं है। तो मीटिंग शेड्यूल करने के लिए आपको क्लिक करना है कैलेंडर आइकन पे टॉप राइट कॉर्नर में। उसके बाद डेट सेलेक्ट कर लो जब भी आपको मीटिंग प्लान करनी है। फिर आप उस टाइम स्लॉट पर क्लिक कर लीजिए जब आपको मीटिंग शेड्यूल करनी है। उसके बाद मीटिंग का नाम दे दीजिए, मीटिंग का स्टार्ट टाइम और एंड टाइम डिसाइड कर लीजिए, उसके बाद डिस्क्रिप्शन में लिख दो। उसके बाद आप नीचे ऐड गेस्ट टाइप करेंगे तो उन लोगों के पास ईमेल चला जाएगा उस मीटिंग का। देखिए, ये ईमेल कुछ ऐसा दिखेगा सामने वाले को और उसके बाद वो येस, नो या मे बी पर क्लिक करके ये बता सकता है कि क्या वो मीटिंग अटेंड कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। उसके बाद आप फिर से जब कैलेंडर पर क्लिक करेंगे तो आपको वो इवेंट बना हुआ दिख जाएगा। उस पर क्लिक करेंगे तो एडिट इन कैलेंडर का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर आप उन लोगों को रिमाइंडर्स भेज सकते हो दो तरीके से। पहला है ईमेल। आप ये डिसाइड कर सकते हो कि कितने मिनट, कितने घंटे या कितने दिनों पहले उनके पास एक रिमाइंडर ईमेल चला जाए मीटिंग याद दिलाने के लिए। या फिर आप चाहते हो कि उनके फोन में एक नोटिफिकेशन आए, तो वो भी आप नोटिफिकेशन वाली सेटिंग्स में जाकर मिनट्स, आवर्स या डेज बिफोर के हिसाब से सेट कर सकते हो। इसके अलावा आप एक स्पेसिफिक लोकेशन भी सेट कर सकते हो। मान लीजिए वो मीटिंग कहीं बाहर हो रही है तो कौन सी लोकेशन पर हो रही है वो लोकेशन भी आप डाल सकते हो। उसके बाद आप कॉन्फ्रेंसिंग भी ऐड कर सकते हो, यानी अगर आपने हैंगआउट सेलेक्ट कर दिया तो उस स्पेसिफिक टाइम पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऑन हो जाएगी और जितने भी मेंबर्स हैं जो मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं वो ऑब्वियसली अपनी डिवाइसेस के सामने बैठे होंगे और आपकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एकदम टाइम पे स्टार्ट हो जाएगी। और अगर आपकी ये मीटिंग हर हफ्ते या हर महीने होती है तो आप उसको रिपीट मोड पे भी सेट कर सकते हैं ताकि बार बार आपको एक ही मीटिंग बनाने की ज़रूरत ना पड़े। उसके लिए आप डू नॉट रिपीट पर क्लिक करके वो इंटरवल सेलेक्ट कर लीजिए जिस इंटरवल पे आपको हमेशा ये मीटिंग कंडक्ट करवानी है। जीमेल की अगली ऐप है गूगल कीप। गूगल कीप आपके किस काम आ सकती है? आप कीप में कोई भी नोट क्रिएट कर सकते हैं या एक चेकलिस्ट क्रिएट कर सकते हैं उन सारे टास्क की जो आपको कंप्लीट करने हैं या आपकी टीम को मिलकर कंप्लीट करने हैं। तो ऐसा नोट आप अपने टीम मेंबर्स के साथ शेयर कर सकते हैं, तो ना ही सिर्फ आप बल्कि वो टीम मेंबर्स भी उस डॉक्यूमेंट को एडिट कर पाएंगे। तो उसके लिए आपको गूगल कीप खोलना है। गूगल कीप खोलने के लिए आप यहाँ क्लिक कीजिए ऑप्शंस पे, थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो गूगल कीप दिखेगा। गूगल कीप पर जाइए, वहां जाकर आप एक नया नोट बना सकते हैं। अब नोट या तो पैराग्राफ फॉर्म में हो सकता है या फिर चेकबॉक्स के फॉर्म में हो सकता है। अगर आपको चेकलिस्ट बनानी है तो आप थ्री डॉट्स पर क्लिक कीजिए और शो चेकबॉक्सेस पर जाइए। शो चेकबॉक्सेस में आप एक लिस्ट बना सकते हैं उन सारे टास्क की जो कंप्लीट हो जाने चाहिए, और जैसे जैसे जो भी टास्क कंप्लीट होगा आप उसको चेक कर सकते हैं और वो नीचे कंप्लीटेड टास्क की लिस्ट में शो होने लग जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि ये लिस्ट आप अपने टीम मेंबर्स के साथ शेयर करें तो कोलैबोरेटर के ऑप्शन में जाकर आप अपने टीम मेंबर्स का ईमेल आईडी डाल दीजिए तो उनके पास एक ईमेल चला जाएगा कि आपने उनके साथ गूगल कीप का एक डॉक्यूमेंट शेयर किया है। तो अब आप सभी लोग मिलकर एक डॉक्यूमेंट को कोलैबोरेट कर सकते हैं। और अगली ऐप है गूगल टास्क की, जो यहाँ पर आपको नीचे दिखेगी। यहाँ पर आप अपने लिए अलग अलग टास्क क्रिएट कर सकते हैं। टास्क के नीचे आप सब टास्क भी क्रिएट कर सकते हैं और जैसे जैसे जो जो टास्क होता जाएगा आप उसको चेक कर सकते हैं। और इसमें आप एक डेडलाइन भी सेट कर सकते हैं। मान लीजिए आपको 4 दिन बाद शाम को 4 बजे तक वो टास्क कंप्लीट करने हैं तो आप वो डेडलाइन सेट कर लीजिए। और मान लीजिए आपके बॉस ने आपको कोई ईमेल भेजा है जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट काम लिखा है और वो काम 4 दिन के अंदर अंदर हो जाना चाहिए और आप नहीं चाहते कि आप ये काम करना भूल जाएं, तो उस ईमेल को भी ड्रैग करके अपने टास्क वाली ऐप में ड्रॉप कर दीजिए तो उसका एक सेपरेट टास्क बन जाएगा। फिर वहां जाकर आप डेडलाइन सेट कर लीजिए कि ये टास्क मुझे इस दिन तक कंप्लीट करना है ताकि वो आपके टास्क की पेंडिंग लिस्ट में आता रहे और आपको हमेशा याद रहे कि आपको ये काम करना है। अगला फीचर आपको फ्रस्ट्रेट होने से बचा सकता है। आपके इनबॉक्स में कितने सारे ऐसे मार्केटिंग के ईमेल्स भरे हुए हैं जो आप कभी भी देखना नहीं चाहते, तो कितना अच्छा हो कि वो ईमेल्स आप तक पहुंचे ही ना। तो आपको अपनी ओरिजिनल जीमेल आईडी यूज नहीं करनी है कभी भी किसी दूसरी वेबसाइट पे अकाउंट बनाते समय। आप हमेशा अपनी ईमेल आईडी के बाद
प्लस करके कोई एक वर्ड असाइन कर दो। एग्जाम्पल के लिए आपका ईमेल आईडी मान लीजिए है example@gmail.com और आपको अकाउंट बनाना है ABC वेबसाइट पर, तो आपको अकाउंट बनाते समय अपना ईमेल एड्रेस टाइप करना है example+social@gmail.com। सोशल की जगह आप कुछ और वर्ड भी लिख सकते हैं, क्योंकि प्लस के बाद आप कुछ भी लिखें वो ज़्यादा मैटर नहीं करता है। पर हाँ, ये ज़रूर ध्यान रहे कि अगर आपने 50 वेबसाइट्स में अकाउंट बना रखा है, बार बार आपने प्लस के बाद सोशल या कोई एक पर्टिकुलर वर्ड ही लिखा है और फिर आप चाहते हैं कि वो सोशल पे आने वाले जितने भी ईमेल्स हैं वो डिलीट हो जाएं, तो आपको उन 50 वेबसाइट का एक भी ईमेल नहीं दिखेगा। तो इसलिए आप प्लस के बाद अलग अलग वर्ड्स भी यूज कर सकते हैं। 10 वेबसाइट्स में आपने अकाउंट बनाया तो वहां पर आपने सोशल यूज कर लिया, अगली 15 वेबसाइट्स में जो आपने अकाउंट बनाया वहां पर आपने example+ABC यूज कर लिया, और आप चाहते हैं जहां जहां आपने सोशल वर्ड यूज करा है सिर्फ वहां से आने वाले ईमेल्स डिलीट हो, तो आप सिर्फ उनको डिलीट कर सकते हैं और ABC वाले ईमेल्स को अलग तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। हो सकता है आपको उनको डिलीट ना करना हो, बट आप नहीं चाहते कि वो इनबॉक्स में भी ना आए, तो आप उनको सीधा आर्काइव में भी भेज सकते हैं। तो ऐसे आप ईमेल्स को आने से पहले ही कैटेगराइज कर रहे हैं। तो लेट्स से आपने अकाउंट बनाते समय यूज करा है example+social@gmail.com, उसके बाद आप अपने इनबॉक्स में जाइए, सर्च बार की ड्रॉप डाउन मेन्यू पर क्लिक करिए, वहां पर फिल्टर का ऑप्शन आएगा, वहां पर 2 में टाइप कर दीजिए example+social@gmail.com। एग्जाम्पल आपका ईमेल आईडी होना चाहिए, सचमुच एग्जाम्पल मत टाइप करिएगा। उसके बाद आप क्रिएट फिल्टर पर क्लिक कीजिए, उसके बाद आपको ये ऑप्शन दिखाएगा कि इस पर्टिकुलर ईमेल पर आने वाले जितने भी ईमेल्स हैं उसको आप क्या करना चाहते हैं। तो मैं मान लीजिए डिलीट करना चाहता हूं, तो मैं डिलीट पर क्लिक कर दूंगा और क्रिएट फिल्टर पर क्लिक कर दूंगा। अब जब भी example+social@gmail.com पर कोई ईमेल आएगा वो डिलीट हो जाएगा। तो कैसे लगे ये फीचर्स? अगर अच्छे लगे तो कमेंट्स में मुझे बताइए, और कौन सा फीचर आपको नहीं पता था वो ज़रूर बताना कमेंट्स में। हम मिलते हैं बहुत ही जल्द आपसे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं और kadakmerch.com/LLA पर जाकर हमारा मर्च खरीद सकते हैं, जिससे हमें छोटा सा सपोर्ट मिलता है और अच्छे वीडियोज़ क्रिएट करने का। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय। जाते जाते आज के सवाल का जवाब दे दीजिए। जीतने वाले किसी एक लकी विनर को दिया जाएगा 51 रुपए का UPI कैश, जिसका रिजल्ट हम ब्लॉग पे पब्लिश करते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अगर आप हमसे लाइव बातचीत करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिए, हर संडे वहां पर लाइव सेशन कंडक्ट होता है। और अगर आप वीडियो आने से पहले ही लेटेस्ट डॉक्यूमेंट्स एंड अपडेट्स पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करके लेबर लॉ एडवाइजर सर्च करें और ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। और लेबर लॉ एडवाइजर के सभी सब्सक्राइबर्स जिन्होंने ज्वाइन बटन पर क्लिक करके एक मेंबरशिप ली है, उन्हें हम बहुत बड़ा थैंक यू बोलना चाहते हैं, क्योंकि आप लोगों की वजह से हमें सपोर्ट मिलता है नए वीडियोस क्रिएट करने का।